हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो मैं आज एक बुक का रिव्यू देने वाली हूँ। ये है आपका स्पेक्ट्रम का बुक। ये बहुत सारे टॉपर्स होंगे, उन्होंने इस बुक के बारे में सजेशन दिया है और मैं इसे स्टडी कर रही थी, तो मैंने इसका रिव्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा बुक है। मैं एक दो वीडियो में इसे बताई हूँ भी और स्टडी की हूँ भी इसको, और जिसमें मैं इसके लिए शायद इसके पहले वीडियो में मैं इसका स्टडी की हूँ। तो मुझे ये बुक बहुत अच्छा लगा। स्पेक्ट्रम का ऐसे भी टॉपर्स भी सजेशन देते हैं, तो मैं इस बुक को हाल फिलहाल में जब दिल्ली गई थी तो वहाँ से लाई थी। आप लोग दिल्ली का भी ब्लॉग देख सकते हैं जाकर, तो ये देख सकते हैं आप लोग। ये हमारा आधुनिक भारत का इतिहास जी हाँ। तो इसको पढ़ेंगे कौन आखिर? आधुनिक भारत का जो इतिहास है इसको किन के लिए ज़रूरी है? ये बुक सभी के लिए ज़रूरी है जिनका यूपीएससी में हिस्ट्री अगर ऑप्शनल है तो और भी ज़रूरी है। मॉडर्न हिस्ट्री आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शनल जिनका है, और नहीं भी है उनको भी ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आपका जो है रिटेन मेंस का एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको ये काम देगा। तो मेरा तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो मैं इसे ली थी जब दिल्ली गई थी तब। तो चलिए मैं इसका अंदर का आपको दिखाती हूँ। ये स्पेक्ट्रम है और ये इसका प्राइस 555 रुपीज़ है, 555 है, लेकिन मुझे ये डिस्काउंट में मिला था 400 अप्रॉक्स में कुछ में, जब मैं दिल्ली से गई थी तो वहाँ पे कुछ डिस्काउंट मिलता रहता है। अब ये हमारा 2022 का संस्करण है, ये आप देख सकते हैं हमारा 2022 का ये न्यू बुक है। 2022 का संस्करण है, ये नया संस्करण है हमारे पास। तो इसमें सबसे पहला मैं जो पढ़ी थी बुक में यूरोपियों का आगमन, तो यूरोपियों का जो औपनिवेशिक आगमन हो रहा है हमारा, जो सबसे पहले कौन आ रहे हैं? पुर्तगाली आ रहे थे। मैंने सबसे पहले पुर्तगाली के बारे में पढ़ा था और इसके बारे में अभी मैं नहीं पढ़ी हूँ, तो अभी मैं और भी वीडियो बनाऊंगी तो पढ़ूंगी। और इसके पहले मैं ये सब खुद से पढ़ चुकी हूँ तो इसलिए इसका वीडियो मैं नहीं डाल पाई हूँ। अब मैं फिर से अगर रिविजन करूँगी तो फिर मैं इसका वीडियो डालूंगी। वैसे आप लोग अगर इसका मैं अगर आप लोग को रीडिंग करके दिखाऊँ, क्योंकि इतना इजी वर्ड है कि आप लोग को अगर एनसीईआरटी जो नहीं भी पढ़े हैं इसका हिस्ट्री का, वो भी अगर पढ़ेंगे इसको तो उनको अच्छे से समझ में आने वाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी वर्ड में दिया गया और बहुत ज़्यादा बढ़िया बुक है। एक और बुक है पॉलिटी का, उसका भी मैं आप लोग को बताऊँगी। उसका भी आप लोग अगर एनसीईआरटी विदाउट एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा वो भी बुक। तो मैं उसका भी कभी रिव्यू कर दूँगी उस बुक का। जो जो मुझे बुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मैं उसका ही रिव्यू करती हूँ, बाकी का मैं नहीं करती हूँ। और रहा बात एनसीईआरटी का, तो मेरे पास एनसीईआरटी कौन कौन सा बुक है उसका भी मैं एक बार वीडियो जरूर बनाऊंगी। और हाँ गाइस, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा। तो अगर जिनको ज़रूरत है ये बुक आप लोग खरीद सकते हैं, जिनको ऑप्शनल है वो भी और जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं है वो भी। इसमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत आप लोग का नाम दिख रहा है, इसमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री है। तो ये आपके लिए सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का ही तैयारी करेगा, एंशिएंट हिस्ट्री का फिर अलग बुक आपको लेना पड़ेगा और मिडाइविल का। तो यह इससे आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा मेंस के लिए, जिनका मेंस का एग्ज़ाम होगा उनको उनके लिए। तो मैं अभी से प्री और मेंस दोनों को लेकर चल रही हूँ ताकि मैं अगले साल जब फॉर्म फिलअप करूँ तो अगर मेरा प्री निकले तो मुझे मतलब प्रॉब्लम नहीं हो। मैं इस साल फॉर्म नहीं फिल की हूँ, मैं नेक्स्ट ईयर फॉर्म फिलअप करने वाली हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाय बाय।